बीच ओम सुधा जी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति का केंद्र है ना, वो वही दलित वर्ग है। बोलिए। तो जब राजीव त्यागी जी, हमारे बड़े भाई भाजपा के प्रवक्ता, बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है जाति की राजनीति नहीं करती है, तो समझ में नहीं आता है हंसा जाए या रोया जाए। इस देश के प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा हुआ इस देश में कि प्रधानमंत्री मंच से कहता हो मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे अपने राजपूत होने पर गर्व है। अच्छा होता हो कहते भारतीय होने पर गर्व है। अमित शाह जी गुजरात के मोदी सम्मेलन को संबोधित करते हैं, मोदी जाति के लोगों को जाति सम्मेलन में भाग लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का भी लोकसभा चुनाव हुआ है, कोई ऐसी सीट बता दे जहां उन्होंने बिना जातिगत समीकरण देखे कट दिया हो प्रत्याशियों को और कहो कि भारतीय होने के नाते जो है इनको टिकट दिया जाए। बड़ा दिलचस्प है, अभी जब मैं राजीव त्यागी जी को सुन रहा था, उस समय मैं पीएमओ का वेबसाइट देखा, पीएमओ की साइट, पीएमओ के अधिकारियों की जो सूची है, डोभाल, खरे, कपूर, श्रीवास्तव राव, चंद्र, मित्तल, श्रीधर कुमार, शाह, जोशी, दोस्ती, झा, मिश्रा, पांडे, क्या भाई साहब, ये आप पीएमओ पूरा देश चला रहा है, इसमें हमारा जो है एक भी दलित आपको इतना काबिल नहीं मिलता है कि आप उसको जो है पीएमओ में रख सके, देश चलाने में अपना योगदान दे सके। एक भी आदिवासी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है जो कि देश चलाने में योगदान दे सके। अगर ये कहते हैं कि भारतीय की बात कर रहे हैं, तो क्या दलित और आदिवासी इनके भारतीय होने का हिस्सा नहीं है? इसलिए इस तरह की हास्यास्पद बात ना करें। कम से कम नेशनल चैनल पर राजीव जेटली जी, आपसे आग्रह होगा, बड़े विद्वान साथी, कि आप जाति की राजनीति नहीं करते। इस देश में आदमी पैदा जाति में होता है। राजीव जी, आपके पास इससे पहले एक बार मैं रोहित अग्रवाल जी उनको उन करना चाहती हूँ, फिर शांति आके